निकालो सर, 56 नंबर ही भाई, ओपन 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 आ गए, ओपन पे जाएगी 56 से लास्ट में, इसमें जाएगी सर 56 ले लो, योर वीडियो क्लिक करो, नीचे क्लिक करो आप इक्वल ले लेना, इक्वल नहीं लेना है, इक्वल के बाद लेना। लास्ट टाइम डेफिनेट इंटीग्रल के कुछ क्वेश्चन कर रहे थे और 16-17 कुछ क्वेश्चन हो गए थे, तो अभी कुछ नए क्वेश्चन सामने हैं, उनको डिस्कस करना है आज। डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस, डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस आज डिस्कस और करना है अभी। तो ये ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है बेटा? गुड मॉर्निंग बेटा, ऑडियो वीडियो क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो चलिए बेटा, एक क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन को देखें। लिमिट दी हुई है 0 to 2/3 dx अपॉन 4 प्लस 9x स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व कर लोगे। तो ये क्या हो गया अपना 0 to 2/3 dx अपॉन इसको 2 का स्क्वायर प्लस इसको 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और 1/a² प्लस x² का इंटीग्रल 1/a, तो 1/2, और x का कोफिशिएंट 3 है, उसको 3 से डिवाइड 1/a, tan इनवर्स x/a, तो 3x/2, और लिमिट 0 to 2/3, तो आंसर आ गया 1/6 tan इनवर्स 3/2 × 2/3, tan इनवर्स 1 होता है π/4, तो 1/6 × π/4 आंसर आएगा π/6 × 24 बी बॉम्बे का आंसर आएगा। अवनीश बेटा, कल क्लास ज्वाइन क्यों नहीं की थी तुमने? गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग दुर्गेश, गुड मॉर्निंग अवनीश बेटा, कल क्लास ज्वाइन क्यों नहीं की थी? तो ये क्वेश्चन है बेटा, समझ में आ गया होगा, कंप्लीट करो से, क्वेश्चन को कंप्लीट करो बेटा, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया सबका? बी बॉम्बे आंसर आ रहा है, समझ में आ गया? कोई बात नहीं बेटा, तो चलो अभी क्वेश्चन करते हैं, कल कुछ खास बात नहीं है, छोटे मोटे से कुछ क्वेश्चन थे कल सॉल्व किए थे, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं करवाया था, कुछ खास बात नहीं है, क्वेश्चन किए थे बस। तो चलो बेटा अभी आगे बढ़ो, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपने? यस नो बोलो, यस नो, ये क्वेश्चन कंप्लीटेड, कंप्लीटेड है, कंप्लीटेड, बाकी बच्चों के कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, आपने बोलो कंप्लीटेड, अवनीश बोलो कंप्लीटेड, ओके यस। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री x^4 + 1/x²+1, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो, 0 to 1 x^4 + 1/x² लिख लो, x^4 − 1 + 2 / x²+1, ठीक है? तो इसको अभी ना क्या कर लो, 0 to 1 x^4, ये x^4
इसको लिख लेते हैं x की x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन में यही x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस कितना बच गया अपना 2 बच गया तो ये हो गया 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 ठीक है लिमिट जो भी है बनी रहेगी तो अब क्या है इसको इंटीग्रेट ये तो x स्क्वायर का सम कट ही गया x स्क्वायर का इंटीग्रल आ गया x की अपॉन 3 माइनस 1 का इंटीग्रल हो गया x और प्लस इसका इंटीग्रल हो जाएगा 2 tan इनवर्स x और लिमिट है 0 टू 1 वैल्यू पुट कर लो 1/3 माइनस 1 प्लस 2 tan इनवर्स हो जाएगा पाई बाय 4 पाई बाय 4 तो ये हो गया पाई बाय 2 1 माइनस 3 माइनस का 2 अपॉन 3 तो माइनस के 2 अपॉन 3 प्लस पाई बाय 2 ये कितना आ रहा माइनस का 2 अपॉन 3 प्लस पाई बाय 2 ठीक है ऐसा कुछ है एलसीएम ले लेना 6 आएगा एलसीएम आएगा 6 तो कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस 4 3 पाई माइनस 4 ये आंसर आएगा इसका ये 3 पाई माइनस 4 अपॉन 6 3 पाई माइनस 4 चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का देखो आंसर ये आया क्या क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर आ गया अपनी इसके कमेंट्स आ रहे हैं बाकी बच्चों के कमेंट्स नहीं आ रहे हैं क्या प्रॉब्लम हो रही है ओनली अपनी इसके कमेंट्स आ रहे हैं बाकी बच्चों के कमेंट्स क्यों नहीं आ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा दुर्गेश का भी आंसर ही आ गया है बाकी और बच्चों के कमेंट्स नहीं आ रहे हैं दुर्गेश सही है ये तो ठीक है बेटा ब्रह्मवीर का भी आंसर आया है बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं सॉल्व नहीं कर रहे हो क्वेश्चंस को ध्यान नहीं दे रहे हो समझ में नहीं आ रहा है क्या बात है कुछ तो अभी नाराजी है क्या कोई भी आज नाराजी है क्या सर से कमेंट्स नहीं लिख रहे हो कोई नाराजी है क्या चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 122 dx upon x 1 plus x की पावर 4 ये तो बेटा याद कर लो हमने बताया था इंटीग्रल dx upon x x की पावर n plus 1 का इंटीग्रल n dm आया था हमने बताया था 1 upon n log x की पावर n upon x की पावर n plus 1 हो जाता है ये n d का क्वेश्चन था n dm आया था ये प्रदीप कुमार जय हिंद बेटा क्वेश्चन पर ध्यान दो तो ये हमने बताया था एनडीए में क्वेश्चन आया था स्टैंडर्ड क्वेश्चन था इसको ऐसे रिजल्ट को समझ भी लो और याद भी कर लो उसी के हिसाब से ये क्या जाएगा 1 अपॉन 4 log x की पावर 4 अपॉन x की पावर 4 प्लस 1 और लिमिट दी हुई है 1 से 2 सॉल्व कर दो 1/4 बाहर 2 की पावर 4 हो जाएगा कितना 16 log ऑफ 16 अपॉन 17 माइनस लोअर लिमिट लगाओगे तो लॉग 1 अपॉन 2 आएगा 1/4 बार लॉग लॉग एम माइनस लॉग एन लॉग एम अपॉन एन 16 अपॉन 17 इनटू हो जाएगा 2 तो 1/4 लॉग 32 अपॉन 17 1/4 लॉग 32 अपॉन 17 डी वैल्यू आंसर इसका प्रदीप बेटा आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है डी दिल्ली अवनीश डी दिल्ली ठीक है रणवीर ने भी अब तो लिखा डी दिल्ली प्रदीप कुमार का है 4D आकाश कुशवा कह रहे हैं 4D तो समझ में आ गया बेटा बोला था हमने ये एनडीए का क्वेश्चन था और बोला था हमने सॉल्व भी करवाया था स्टैंडर्ड रिजल्ट समझ सकते हो से
समझ लो, सॉल्व कर लो, याद कर लो, एनडीए में आया था उसी का डेफिनेट का क्वेश्चन यहाँ बन रहा है। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, समझ के नोट कर लो, इसको याद कर लो, काम आएगा ये। गिरिराज ने बोला है डी, ध्रुवेश ने भी बोल दिया डी, आकाश कुशवाहा डी, सारे बच्चे अब कह रहे हैं डी, अब अच्छा है, सब लोग कमेंट्स आ रहे हैं सबके, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर फाइव। तो क्वेश्चन नंबर फाइव, एक्स टू की पावर टू टू थ्री, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो रहा है, इसको बाद में देख लेंगे, अभी क्वेश्चन अगले पे आते हैं, वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वन टू टू लॉग एक्स डी एक्स, मालूम है बेटा लॉग एक्स का इंटीग्रल होता है एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स, और लिमिट दी है वन से टू, लॉग एक्स का इंटीग्रल होता है एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स, इंटीग्रल दिया हुआ टू वन टू टू, रख दो वैल्यू, तो ये आ गया टू लॉग टू माइनस टू, टू लॉग टू माइनस टू, वन रखोगे तो लॉग वन जीरो, लॉग वन हो जाएगा जीरो, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का वन, तो एक तरह से बचेगा कितना, टू लॉग टू माइनस वन, टू लॉग टू माइनस वन, टू लॉग टू माइनस वन, और ये हो जाएगा कितना अपना, नहीं अच्छा वन से ई है लिमिट, ओके वन से ई है, ध्यान दिया हमने लिमिट इसमें देखने के लिए कि क्लियर, तो वन से ई है इसकी लिमिट, लिमिट है वन से ई, तो ये हो जाएगा ई लॉग ई माइनस ई, और वन लॉग है तो लॉग वन जीरो, और माइनस वन, माइनस माइनस प्लस का वन हो जाएगा ये, और लॉग ई कितना होता है वन, लॉग ई होता है वन, तो ये हो जाएगा ई माइनस ई प्लस वन, ई से ई कट जाएगा, वन इसका आंसर बचेगा, बी बॉम्बे आंसर है इसका सिंपल, ये लिमिट हम देख नहीं पाए थे, तो वन से ई है लिमिट उसकी, टू नहीं है वन से ई। चलो बेटा बी बॉम्बे इसका आंसर है, बी बॉम्बे, ठीक बेटा, लिमिट वो दिखने रही थी क्लियर, यहां पर वो क्या है, ई है ई, टू नहीं है, ये ई है, और ढंग से दिख नहीं जाता वो, तो बी बॉम्बे आंसर है, पंकज ने भी बोला बी बॉम्बे, धर्मवीर का आंसर आया बी, सिंपल क्वेश्चन था, लॉग एक्स का इंटीग्रल बच्चों को याद रहता है, लॉग एक्स का इंटीग्रल एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स, वैल्यू पुट करना थी। चलिए बेटा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन, जीरो टू पाई बाई टू, क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन, जीरो टू पाई बाई टू, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन वन प्लस अंडर रूट वन प्लस साइन टू एक्स, जीरो टू पाई बाई टू, ये है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा अपना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इस वाले से ये कट जाएगा, इंटीग्रल बच गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रल, साइन एक्स का हो गया माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का हो गया प्लस का साइन एक्स, और लिमिट है जीरो टू पाई बाई टू, ठीक है ना, जीरो पाई बाई टू, माइनस का कॉस पाई बाई टू हो जाएगा जीरो, प्लस साइन पाई बाई टू हो जाएगा वन, माइनस माइनस प्लस कॉस जीरो हो जाएगा वन, साइन जीरो हो जाएगा जीरो, आंसर आ गया टू, ठीक चेन्नई, सी चेन्नई, सेवन का सी, अभिषेक सही है, सेवन का सी आंसर आ गया सी, डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आकाश कुशवाहा लिख रहे हैं टू, टू यानी कि बी बॉम्बे, भानु दाकर ने लिख दिया टू, अब टू का मतलब समझ नहीं आ रहा है कि टू क्या है, आंसर आ रहा है सी, सी चेन्नई टू आंसर आ रहा है, टू सेवन का सी, कपिल दुबे सी आंसर है इसका, ठीक है बेटा, भानु धाकड़ आंसर आया टू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है, भानु धाकड़ ऑप्शन नंबर सी आंसर टू आया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर, भानु धाकड़ तुमने आ गया ये, कपिल बेटा सी आंसर इसका,
चलिए बेटा सिंपल क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट, 0 to π/2 अंडरूट कॉट एक्स अपॉन अंडरूट कॉट एक्स प्लस अंडरूट टेन एक्स। अंडरूट कॉट एक्स अपॉन अंडरूट कॉट एक्स प्लस अंडरूट टेन एक्स। हाँ बेटा उपेंद्र, क्वेश्चन नंबर एट। अरुण सिंह तोमर, क्वेश्चन नंबर एट का आंसर सी। अभिषेक भी कह रहा है एट का सी। अरुण बेटा इतने लेट क्यों आए तुम्हारे कमेंट्स, एट का सी। अरुण सिंह तोमर तुम्हारे कमेंट्स इतने लेट क्यों आए हैं, कहां थे इतनी देर। अंकित भदौरिया, अंकित भदौरिया क्या कह रहे हैं, हाँ एट का सी। गिरिराज कुशवाहा, अरुण सिंह तोमर एट का सी। अरे अरुण सिंह तोमर बेटा एट का सी तो सही है, तुम्हारे कमेंट्स इतने लेट क्यों आए हैं, तुम इतने लेट क्यों आए हो, कहाँ थे इतनी देर, आज आज तुमने गुड मॉर्निंग भी नहीं की। अरुण बेटा तुमने गुड मॉर्निंग भी नहीं की, क्या था क्यों थे लेट। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर नाइन पर आ गए, आंसर दो जल्दी। राम राम बेटा, राम राम। अरुण सिंह तोमर राम राम बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा। तो नाइन का धर्मवीर ने आंसर दिया नाइन का डी, नाइन का डी आंसर धर्मवीर कह रहे हैं नाइन का डी। बेटा वो तो अरुण बेटा हम ऐसे ही कह रहे थे, गुड मॉर्निंग वाली कोई बात नहीं है, वो हम ऐसे कह रहे थे, अच्छे बच्चों की याद आती रहती है, इसीलिए तुम्हारा नाम नहीं दिखा उसमें, इसलिए हमने बोला कि तुम इतनी देर में क्यों आए। नाइन का डी होगा, पंकज राठौर कह रहे हैं नाइन का डी होगा, सारे बच्चे कह रहे हैं नाइन का डी। अंकित भदौरिया गुड मॉर्निंग बेटा, तो नाइन का आंसर आ गया डी, नाइन का आंसर आ गया है डी, सारे बच्चों का आंसर आ रहा है नाइन का डी, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो बेटा ये बात क्लियर समझ आ रही क्या, कि एक बार टॉपिक अपना पढ़ने के बाद फिर ढेर सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो अपने आप बनते हैं। अपन ऐसा कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं, पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि उसके बाद जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे अपने आप सॉल्व होने लगते हैं, बाद के क्वेश्चन सारे अपने आप सॉल्व करने होने लगते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर टेन, क्वेश्चन नंबर टेन, क्वेश्चन नंबर टेन, क्वेश्चन नंबर टेन। क्वेश्चन नंबर टेन ये क्या है, इंटीग्रल दिया हुआ है और इसका डिफरेंशियल पूछ रहे हैं। ये इंटीग्रल एफ एक्स क्या है, कोई चीज का इंटीग्रल दिया हुआ है और उसका डिफरेंशियल पूछ रहे हैं। तो डिफरेंशियल क्या है, इंटीग्रल का रिवर्स प्रोसेस है, मालूम है। डिफरेंशियल क्या है, इंटीग्रल का रिवर्स प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस। एंटी डेरिवेटिव कहते हैं इंटीग्रेशन को, इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव कहते हैं, मालूम है। उसी के अकॉर्डिंग, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग टेन का आंसर क्या आना चाहिए, टेन का आंसर आना चाहिए बी बॉम्बे, बी बॉम्बे इसका आंसर आना चाहिए। गिरिराज ए नहीं, बी बॉम्बे इसका आंसर आना चाहिए। डिफरेंशियल का, डिफरेंशियल का एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रल क्या है एंटी डेरिवेटिव, तो उसी कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उसका आंसर आएगा बी बॉम्बे। बस नहीं ना, ये इंटीग्रल दिया हुआ है और डिफरेंशियल पूछ रहे हैं, तो डिफरेंशियल इसका यही आएगा फिर तो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अरुण बेटा, वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इलेवन,
क्वेश्चन नंबर 11 0 टू पावर 2 log 10 x dx बोलो बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बोलो जल्दी क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बोलो बेटा ये क्वेश्चन समझाया था हमने कि नहीं 11 नंबर क्वेश्चन हमने समझाया था कि नहीं इलेवन का आंसर क्या है बी बॉम्बे कह रहे हैं सब बी बॉम्बे इलेवन का बी बॉम्बे जो कह रहे हो बेटा वो गलत हो गया याद कर लो बेटा इसका ये हमने एग्जांपल करवाया था किसका कि आंसर जीरो आया था ये जीरो टू पाई बाय टू टेन एक्स है टेन एक्स ये साइन एक्स नहीं है ये बेटा साइन एक्स नहीं है साइन एक्स ये 10x है 10x जिसका आंसर 0 आया था अरुण सिंह तोमर बेटा ये 10x है अपनी कॉपी उठा के देख लेना बेटा जो हमने पढ़ाए थे कॉन्सेप्ट गिरिराज कुशवाहा 11 का सी नहीं है सी गलत आंसर बोल रहे हो गिरिराज कुशवाहा जी डी आंसर है अरुण बेटा कॉपी के पन्ने पलट के देख लो ये हमने एग्जांपल खुद करवाया था अरुण कॉपी के पन्ने पलट के देख लेना बेटा चलो बेटा कुछ बच्चे कह रहे हैं कि बता दो तो कोई बात नहीं बेटा देख लो ये सिंपल क्वेश्चन है ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है प्रॉपर्टी लगाना है 0 टू पाई बाय 2 लॉग 10 पाई बाय 2 माइनस एक्स प्रॉपर्टी नंबर 5 का यूज कर रहे हैं तो ये आ गया 0 टू पाई बाय 2 लॉग 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा तो कॉट एक्स डीएक्स ये सेकंड और फर्स्ट सेकंड को कर लेते हैं प्लस तो वो लाता है 2 आई 0 टू पाई बाय 2 ये लॉग 10 एक्स अब प्लस ये हो गया लॉग कॉट एक्स तो ये बन जाएगा अपना 0 टू पाई बाय 2 लॉग लॉग एम प्लस लॉग एन लॉग एम एन हो जाता है तो 10 एक्स इनटू कॉट एक्स और 10 एक्स कॉट एक्स कट जाएगा बचेगा 1 लॉग 1 होता है 0 और तभी इसका आंसर आ जाएगा 0 अरुण बात समझ में आ गई क्या संजय बेटा बात समझ में आ गई अब संजय अरुण संजय अरुण क्वेश्चन समझ में आ गया सॉल्यूशन इसका तो ये एग्जांपल हमने खुद करवाया था बेटा कॉपी में देख लेना अरुण नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 बेटा उपेंद्र सही कह रहे हो बेटा उपेंद्र सही कह रहे हो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बोलो करवाया था कि नहीं सारे के सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है अवनीश बेटा सही कह रहे हो याद आ गया तुम्हें संजय बेटा याद आ गया बहुत अच्छी बात है ये क्वेश्चन भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है करवाया था हमने स्टैंडर्ड क्वेश्चन है सॉल्व नहीं करना है सॉल्व करने बैठोगे तो दो चार पांच मिनट लगती है हमको सॉल्व करने में डेफिनेट एंट्री करके है कोई ट्रिक काम नहीं करेगी या तो दो मिनट लगेंगे या तो दो सेकंड लगेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में या तो दो मिनट या दो सेकंड दो मिनट वाला मेथड यूज करना नहीं है दो सेकंड वाला मेथड यूज करना है और आंसर ए आना है 12 का ए 12 का ए दो सेकंड में आंसर आ गया कि नहीं गिरिराज कुशवाहा अभी भी कह रहे हैं 12 का सी गिरिराज कुशवाहा अभी भी कह रहे हैं 12 का सी क्वेश्चन सॉल्व कराने के बाद समझाने के बाद याद करने के बाद भी गिरिराज कुशवाहा कह रहे हैं 12 का सी तो बेटा आगे बढ़ना पड़ेगा अभी इस पर डिस्कस करने का टाइम नहीं है कि 12 का सी कैसे हो गया
अभिषेक बिल्कुल सही कह रहा है बेटा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन याद करना पड़ेगा, 2 सेकंड में जवाब देना है तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन याद करना पड़ेगा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, उपेन्द्र सही कह रहा बेटा, याद करवाया था क्वेश्चन को। हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 बोला, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला था हमने माइनस ए टू ए लिमिट होगी माइनस ए टू एफ एक्स डी एक्स, 13 का सी। हाँ बेटा बिल्कुल सही है, आदित्य तोमर ने सही बोला, उपेंद्र धाकर ने भी सही बोला, सोम प्रजापति ने सही बोला है। 13 का सी माइनस ए टू एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो आ जाता है। माइनस ए टू ए लिमिट देख लेना बस बेटा, ये लिमिट माइनस ए टू एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एक जीरो होता है, फिर दूसरी प्रॉपर्टी दूसरा कंडीशन और बनती है। ठीक है, बोला भी था हमने स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, प्रॉपर्टी का क्वेश्चन जरूर आता है मैक्सिमम केस में, कम से कम 90% केस में इस तरह के क्वेश्चन का आंसर जो है वो जीरो ही आता है 90% केस में। क्यों होता है देखना है तो चाहो तो देख लेना। एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 17 कॉस की पावर 4x, एफ माइनस एक्स फाइंड करना है, माइनस एक्स माइनस एक्स की पावर 17 कॉस की पावर माइनस 4x, तो ये माइनस में आएगा 17 कॉस की पावर 4x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया माइनस एक्स की पावर 17 कॉस की पावर 4, यानी कि आ गया माइनस एफ एक्स, इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा जीरो आएगा। सही है बेटा, तो इस तरह का क्वेश्चन भी, इस तरह का क्वेश्चन भी बोलो बताया था, इस तरह का क्वेश्चन भी बोलो करवाया था, प्रॉपर्टी बताई थी, बोलो बेटा। यस 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 तो बोलना पड़ेगा बेटा। हाँ बेटा अरुण कमेंट्स आ रहे हैं, टेंशन मत लो बेटा, कमेंट्स आ रहे हैं, सबके कमेंट्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं बेटा अरुण। दुर्गेश बेटा कल से नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, ओके दुर्गेश कल से स्टार्ट हो जाएगा। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बोलो क्या आंसर है। 14, 14 का आंसर बोलो बेटा। अरुण तोमर ने बिल्कुल आंसर दे दिया है डी, अरुण ने आंसर दे दिया डी, भानु दागड़ का 14 था डी, अभिषेक ने 14 था डी। तो बोलो बेटा इस तरह के क्वेश्चन करवा दिए थे कि नहीं, इस तरह के क्वेश्चन बोलो बेटा करवा दिए थे कि नहीं, करवा दिए थे बेटा 14 का डी, 14 का डी। बेटा करवा दिया था ये हमने, इस तरह के क्वेश्चन करा दिए थे, कर लिए थे हमने क्वेश्चन। यस भी कह रहा है 14 का डी। तो फिर 15 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, बोलो मीटर वाला आ रहा है तो देख लो, से काम करो से देख लो कि वो कितने कितने तक सब्सिडी मिल रही है, 50 रुपये खुले है करके। उससे बोल दो बात कर लो कहना, वो दे देंगे और 200 मिनट के अंदर अंदर कर ले, है ना, बात करा दो भाई बात करा दो।
हाँ पंकज बात करो ना पंकज जी कह रहे हैं इस बार सब्सिडी कितने कितने यूनिट में लगेगी सब्सिडी देख लो फिर यार अपने हिसाब से देख लो कितना मतलब करना है 140 कर दो फिर अगले महीने में पूरी डिग्री में करवा देंगे बनाना ठीक है हाँ और ये कह रहे हैं कि वो अभी जैसे घर पर नहीं होंगे पैसे तो कोई बात नहीं हमें एक आदमी करके हम दे देंगे ओके बेटा तो 15 अब बच्चे कह रहे हैं 15 का भी डी 15 का डी तो 15 का डी तो बिल्कुल सही आंसर है 15 का डी बिल्कुल सही है इसमें क्या करना x इक्वल टू साइन थीटा पुट कर लेगा बेटा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है x इक्वल टू साइन थीटा तो डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा अपना कॉस थीटा डी थीटा ठीक है और लिमिट हो जाएगी अपनी 0 टू x इक्वल टू जब 1 तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2 तो ये बन जाएगा अपना कॉस थीटा डी थीटा अपॉन x की वैल्यू साइन थीटा और प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर यानी कि बन जाएगा कॉस थीटा ठीक है तभी इसका आंसर आ जाएगा पाई बाई 4 ये डी आंसर बिल्कुल सही है थोड़ा सा ठीक था क्वेश्चन ये अरुण बेटा देखो क्या दिक्कत हुई डी दुर्गेश ने बोला डी धर्मवीर पुष्पा कह रहे हैं ओके तो अरुण बेटा अभी समझ आ गया कि नहीं अरुण बेटा जल्दी देखो बोलो समझ आ गया कि नहीं ओके चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 उपेंद्र गौतम डी तो हो गया अभी क्वेश्चन नंबर 16 पे आ रहे क्वेश्चन नंबर 16 माइनस टू से टू वन माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल निकालना है क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा सॉल्व कर लो माइनस टू से टू इसके फैक्टर कर लो वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स डी एक्स तो इसको तोड़ दोगे लिमिट को एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू माइनस वन लिमिट को तोड़ दो माइनस टू से माइनस वन वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स मोड और फिर इसको ले लो माइनस वन से टू वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स का मोड ठीक है तो अभी क्या है माइनस टू से माइनस वन के बीच की कोई वैल्यू लोगे अगर एक्स की वैल्यू तो ये तो आएगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये वन माइनस कुछ करोगे तो कैसी वैल्यू आएगी निगेटिव आएगी यानी कि इसको लेना पड़ेगा कितना अपना माइनस टू से माइनस वन और ये हो जाएगी माइनस की वैल्यू
माइनस की वैल्यू यानी कि x माइनस वन और x प्लस वन बन जाएगा जी, और प्लस माइनस वन से टू, माइनस वन से अगर टू लेते हो कोई सी भी वैल्यू माइनस वन से टू तो ये वैल्यू क्या आएगी, माइनस तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यानी कि ये बन जाएगा अपना वन माइनस एक्स और वन, यानी कि वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन, इंटीग्रल आएगा एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस एक्स माइनस टू से माइनस वन, और प्लस इसका इंटीग्रल आएगा कितना, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस वन से टू, वैल्यू वैल्यू पुट कर लो कितनी आ रही है, माइनस वन पुट करोगे तो माइनस वन अपॉन थ्री माइनस माइनस प्लस का वन, माइनस माइनस टू पुट करोगे तो माइनस का एट अपॉन थ्री माइनस माइनस प्लस का टू, प्लस ये आएगा टू माइनस टू का क्यूब एट अपॉन थ्री, माइनस ये आएगा कितना माइनस वन, और ये माइनस माइनस प्लस का वन अपॉन थ्री हो जाएगा। सॉल्व कर लो कितना आ रहा है, थ्री माइनस वन टू अपॉन थ्री, और ये कितना हो गया थ्री टू या सिक्स, माइनस एट प्लस सिक्स, माइनस का टू अपॉन थ्री तो प्लस का टू अपॉन थ्री, सिक्स माइनस एट माइनस के टू अपॉन थ्री माइनस के टू अपॉन थ्री, और कितना रहा है माइनस थ्री प्लस वन माइनस के टू अपॉन थ्री प्लस का टू अपॉन थ्री प्लस की टू अपॉन थ्री, टू अपॉन थ्री टू अपॉन थ्री कट जाएगा तो टू प्लस टू फोर अपॉन थ्री, इसका आंसर आ जाएगा फोर अपॉन फोर अपॉन थ्री आ रहा है, कुछ गड़बड़ है। कहीं कुछ प्लस माइनस की गलती हो रही है, चलो बाद में देख लेंगे उसको। चलो उसको बाद में देखते हैं। चलो बेटा ये क्वेश्चन देखो अभी। क्वेश्चन नंबर 17। अभिषेक सिंह 17 का डी कैसे कह रहे हो अभिषेक, अरुण ने सही बोला है, अभिषेक सही बोला, सी आंसर है इसका सी। अभिषेक 17 का डी कैसे कह रहे हो, 17 का सी है, बिल्कुल सही आंसर 17 का सी। ये क्वेश्चन करवा दिया था हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से, पूरा समझा दिया था अभिषेक ने, डी पता नहीं कैसे आंसर दे दिया है, ये तो सी आंसर है इसका, तो सब बच्चों को मालूम है, ये तो आंसर याद है इसका, तो तरीका बता दिया था। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18 18 ओके बेटा आपसे कोई बात नहीं है, गलती से मिस्टेक हो गई। तो 18 माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर साइन की पावर माइनस फोर डी एक्स, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है बेटा, इसको समझ लो। माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर साइन की पावर माइनस फोर है, इसको लिख लो अपॉन में साइन की पावर फोर, ठीक है। इसमें क्या कर लो, माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर कॉस की पावर फोर से डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा सेक की पावर फोर एक्स, और साइन अपॉन कॉस हो जाएगा ये टेन, टेन की पावर फोर एक्स, ठीक है बेटा। कॉस की पावर फोर से डिवाइड कर लिया है, 17 का सी तो हो गया बेटा, अब आगे बढ़ो। कॉस की पावर फोर से डिवाइड कर दिया है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, ऐसा सॉल्व कर लोगे माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर, इसको लिख लो सेक स्क्वायर, और ये सेक स्क्वायर एक्स, और ये बन जाएगा अपना कितना टेन की पावर फोर, लिख रहने दो। अब इसको सॉल्व करते जाओ, क्या लिख लोगे इसको, माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर, ये वाले सेक स्क्वायर को लिख लो वन प्लस टेन स्क्वायर, वन प्लस टेन स्क्वायर,
और ये सेट स्क्वायर लिखा रहने दो और ये 10 की पावर 4 भी लिखी रहने दो। अभी क्या कर लोगे 10x को t पुट कर लोगे तो 10x को t पुट करोगे तो क्या बन जाएगा ये 1 प्लस t स्क्वायर अपॉन t की पावर 4 dt और लिमिट इसकी हो जाएगी कितनी माइनस 1 से 1। अभी इसको इंटीग्रेट कर दो कितना आ जाएगा ये क्या आएगा ये 1 अपॉन t की पावर 4 1 अपॉन t की पावर 4 का इंटीग्रल कितना आएगा 1 अपॉन t की पावर 4 यानी t की पावर माइनस 4 माइनस 4 प्लस 1 माइनस का 3 तो माइनस की 1 अपॉन 3 t क्यूब और ये t स्क्वायर अपॉन तो 1 अपॉन t स्क्वायर यानी कि माइनस का 1 अपॉन t माइनस 1 से 1 वैल्यू पुट कर लो बस 1 लिखोगे तो माइनस की 1 अपॉन 3 और ये भी माइनस का 1 और प्लस कर लोगे तो प्लस और कितना आएगा ये माइनस का 1 लोगे तो ये हो जाएगा माइनस की 1 अपॉन 3 और ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 1 तो माइनस का 1 अपॉन 3 माइनस का 1 अपॉन 3 माइनस का 2 अपॉन 3 आ रहा है क्या आ रहा है आ रहा है इसका डी आंसर आ रहा है क्या गड़बड़ हुआ है ये साइन की पावर 4 माइनस का 3 माइनस का 4.3 माइनस का 8.3 आ रहा है सही है बी आंसर है माइनस का 8.3 18 का डी नहीं है बेटा माइनस में वैल्यू आ रही है माइनस की 8.3 अरुण माइनस का 8.3 आ रहा है प्लस का 8.3 नहीं ये बेटा तो बी आंसर आ रहा है बी अरुण बी आंसर आ रहा है अरुण बी आंसर आ रहा था सही है तो आंसर आ गया इसका माइनस का 8.3 बी। हाँ ठीक है बेटा चलो तो बी आंसर आ गया इसका इनका भी 19 क्वेश्चन 19 बोलो इसका 19 का आंसर क्या आएगा भानु दाकर 0 लिख रहे हैं यानी कि अवनीश ने बोला सी सी सही है इसका आंसर अवनीश ने भी सही बोला है सी आंसर सी तो बिल्कुल सही है इसका सही आंसर सी है अभिषेक ने भी बोला है सी
बोलो किसी को कोई डाउट है 19 का सी अरुण सिंह ने भी बोल दिया 19 का सी दुर्गेश ने बोला सी किसी को कोई डाउट है कोई दिक्कत है कुछ पूछना है किसी को इस क्वेश्चन में किसी को कुछ पूछना है 19 का सी सही है सबने बोला है 19 का सी किसी को कुछ पूछना तो नहीं है इसमें कोई कंफ्यूजन डाउट तो नहीं पूछना इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए 19 सी ओके नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लॉग साइन स्क्वायर एक्स लॉग साइन स्क्वायर एक्स चलो बेटा बोलो ये क्वेश्चन क्या है लॉग साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स 0 टू पाई बोलो इसका आंसर क्या है जीरो टू पाई अरुण कह रहे हैं ए ए ए तो गलत हो जाएगा शायद टू पाई लॉग वन बाई टू ए गलत हो जाएगा शायद अरुण बेटा देखना ये तो साथ गलत हो रहा है भानु दाकर ए आंसर आ रहा है क्या भानु कह रहा है बी बी होगा शायद ना चलो बेटा देख लेते हैं इसको तो बी होगा शायद इसका आंसर देखते हैं अभी तो ये जो लिखा हुआ है इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं टू और ये जीरो टू पाई है ही अपना जीरो टू पाई और ये बन जाएगा लॉग साइन एक्स डी एक्स इसको लिख सकते हैं टू इंटू टू ये लिमिट हो जाएगा हाफ जीरो टू पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डी एक्स तो ये आ गया फोर और इसका आंसर मालूम था माइनस पाई बाई टू लॉग टू माइनस पाई बाई टू लॉग टू तो टू से टू कट जाएगा टू टू या फोर तो आंसर आ गया माइनस टू पाई लॉग टू माइनस टू पाई लॉग टू तो इसको लिख सकते हैं टू पाई लॉग वन बाई टू टू पाई लॉग वन बाई टू तो टू पाई लॉग वन बाई टू ये आंसर सही है इसका अरुण का पहले जो बोला था इसने अरुण ने जो पहले बोला था वो सही है दुर्गेश सी नहीं है नहीं बेटा बी नहीं है अरुण बेटा तुमने ये पहले बोला था ये सही है 20 का बी नहीं है 20 का ये है अरुण बेटा बी नहीं है 20 का ए सॉल्यूशन चेक कर लो 20 का ए अभिषेक रणबीर उपेंद्र 20 का ए आंसर आ रहा है चेक कर लो जरा हाँ बेटा अरुण तुमने पहले बोला था पर हमें लगा शायद वो गलत हो रहा है तो सॉल्व करके देखा कंफर्म करने के लिए सॉल्व करके देख लिया तो आंसर यही है जो तुमने पहले शुरू में बोल दिया था अरुण सही है तो 20 का आंसर तुमने जो पहले बोल दिया था वो सही था बेटा समझ गया सॉल्व कर लिया तुमने वो सही है तो चलिए बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया समझ आ गया किसी को कोई कंफ्यूजन डाउट तो नहीं है चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं मान लो पहला एग्जांपल है 0 टू पाई बाय 2 साइन की पावर 7 एक्स डी एक्स अपने अपने तरफ से क्वेश्चन लिया बेटा बोलो
अरुण सिंह तोमर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसका आंसर बोलो क्या आएगा? इसका आंसर बोलो क्या आएगा? अरुण बेटा सबके लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, बोलो आंसर क्या आएगा? भानु कह रहे हैं पाई बाई फोर, नहीं पाई बाई फोर का कोई चक्कर नहीं है, तो ये आएगा सेवन माइनस वन, सेवन माइनस थ्री, सेवन माइनस फाइव अपॉन सेवन, सेवन माइनस टू, सेवन माइनस टू, सेवन माइनस फोर, सेवन माइनस सिक्स, यानी कि कितना आएगा सिक्स फोर फाइव है तो टू अपॉन सेवन इंटू सेवन माइनस टू फाइव, सेवन माइनस फोर थ्री, कुछ कटेगा कुछ नहीं कटेगा, थ्री टू या सिक्स, फोर्टी एट टू या सिक्सटीन, सिक्सटीन अपॉन सेवन फाइव थर्टी फाइव, इसका आंसर आएगा सिक्सटीन अपॉन थर्टी फाइव। ब्रजेश बघेल, ये बिल्कुल तुमने सही पहचान लिया, वाली फार्मूला लगेगा, ब्रजेश बघेल बिल्कुल सही है, तो यूज करना है यहाँ पर वाली फार्मूला, बिल्कुल सही बात बेटा ब्रजेश, वेरी गुड, वाली फार्मूला ही लगेगा। और एन कितना है? सेवन है, सेवन क्या होता है? ऑड नंबर है, और ऑड नंबर के लिए बताया था क्या होता है, एन माइनस वन, एन माइनस थ्री, डैश फोर टू होना चाहिए लास्ट में, फोर टू, और इधर होता है एन एन माइनस टू, एन माइनस फोर, डैश थ्री या वन, लास्ट में थ्री वन, बाली फार्मूला लगेगा बेटा, बाली फार्मूला। भानु दाकर सिक्सटीन अपॉन थर्टी फाइव आ रहा है, बाली फार्मूला यूज करना पड़ेगा, सबने पहचान लिया? यस उपेंद्र, बाली फार्मूला ही लगेगा, बाली फार्मूला ही लगेगा, और अगर ये बाली फार्मूला मालूम है तो ये क्वेश्चन 10-15 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, 20 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो चलो 30 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, और अगर ये बाली फार्मूला मालूम नहीं है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में 5 मिनट का टाइम लगेगा, ध्यान रखना। हाँ बेटा बाली फार्मूला होता है, अरुण बेटा ये बाली फार्मूला होता है, ये नोट कर लेना अगर नहीं पढ़ा हुआ था, एन की वैल्यू सेवन है जो कि ऑड नंबर है, तो इस कंडीशन में आंसर ये आता है बेटा, ये नोट कर लो अगर नहीं मालूम था, अरुण बेटा अगर मालूम नहीं था या पढ़ा नहीं था तो ये बेटा नोट कर लो, बाली फार्मूला नोट कर लो बेटा, बाली फार्मूला से आया है बेटा अरुण। अरुण बेटा नोट कर लो, हमने तभी लिख दिया यहां पर, अभी फिर से लिख दिया हमने, ये नोट कर लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कर लो। अरुण बेटा नोट कर लिया क्या ये बाली फार्मूला? नोट कर लिया क्या? बोलो नोट, नोटेड कि नहीं? बोलो बेटा नोट कर लिया कि नहीं? अरुण बेटा बोलो नोट कर लिया कि नहीं? ओके बेटा, तो चलिए क्वेश्चन और लेते हैं, 0 टू पाई बाय 2, मान लो ये है कॉस की पावर 8, एन की वैल्यू क्या है? 8 है, ये कैसा है? इवन है, इवन, तो उसके लिए क्या बताया था, इवन होने के लिए क्या बताया था बोलो,
इवन होने के लिए बताया था, इवन होने के लिए बताया था, क्या बोला था, n माइनस वन, n माइनस वन, n माइनस थ्री, n माइनस वन, n माइनस थ्री, दैट दैट थ्री वन, और नीचे क्या आएगा, n n माइनस टू, वही है n n माइनस टू, यहां पर आएगा फोर टू, लास्ट में आएगा फोर टू, और साथ में इंटू होता है पाई बाई टू का, अभिषेक बेटा ये बाली फार्मूला हमने पहले नहीं बताया था क्या, अभिषेक बोलो पहले ये फार्मूला नहीं बताया था क्या, यस में बोलो, अभिषेक तुम्हें लगता है कि पहले नहीं कराया था, ऐसा आपने करवाया था कि नहीं, यस में बोलो, ये बाली फार्मूला पहले करवाया था कि नहीं, अभिषेक यस में बोलो करवाया था कि नहीं, अभिषेक वो जो भी है रीजन बेटा, पर ये कराया था आपने, दुर्गेश कह रहे हैं 7/24 साथ में पाई बाय पाई अपॉन टू तो आगे आ गया ना, वो उपेंद्र आकर हटा कर दिया तुमने, एन एन की वैल्यू है एट, एट माइनस वन सेवन, एट माइनस थ्री फाइव, और थ्री वन, एट सिक्स, फोर टू, पाई अपॉन टू क्या कट रहा है, थ्री से कट जाएगा, थ्री टू या सिक्स, थ्री टू या सिक्स, और कुछ तो कटना है नहीं है, तो सेवन फाइव या थर्टी फाइव पाई अपॉन आठ दून सोलह, चौसठ इंटू चार, चौसठ इंटू चार, आठ दून सोलह, सोलह चौक चौसठ इंटू चार, चार चौक सोलह, चार चौक चौबीस, पच्चीस, दो सौ छप्पन, 256, 35 पाई अपॉन 256, उपेंद्र 256 आ रहा हमारा तो, उपेंद्र इंद्र 128 पाई अपॉन टू, तो 128 का इंटू टू में करोगे तो वो नहीं हो जाएगा 256, रणबीर 35 पाई अपॉन टू 56 आ रहा है कि नहीं, यही आ रहा है भानु दाकर बेटा, यही आ रहा है, हाँ बेटा कोई बात नहीं, कैलकुलेशन में गलती हो गई होगी, तो कैलकुलेशन में कोई गलती हो गई होगी, ठीक है, तो ये बाली फार्मूला को जरूर नोट कर लेना बेटा, बाली फार्मूला नोट कर लेना, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो डायरेक्ट आंसर आना है, और अगर ये बाली फार्मूला मालूम नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन आप सॉल्व एग्जाम में नहीं कर पाओगे, बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए बाली फार्मूला को तो बेटा अच्छे से याद कर लेना, आज की क्लास में यही रोकते हैं, कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ओके बेटा, ओके थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं कल।